स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में, जिसमें हम आज फिर लेकर हाजिर हैं अपने 15 प्रश्न, जिसमें समसामयिक विषयों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन PAG, ये हाल ही में चर्चित शब्दावली थी, ये किससे संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे चार विकल्प है, तो सही विकल्प है कचड़ा निपटान। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी जो चीजें चर्चा में रही हैं कि वेस्ट टू वेल्थ किस तरीके से हम कर सकते हैं, और इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी किस तरीके से हम कर सकते हैं, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को ये पूरा करता है, इस कारण से शब्दावली चर्चा में थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि इसमें कचड़े को सीधे जो है वो भस्मक की भांति जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसको एक गैस और एक प्लाज्मा में परिवर्तित कर दिया जाता है या द्रव में परिवर्तित किया जाता है, जो कि एक ग्लास का रूप ले लेता है, और उस ग्लास को हम स्लैग के नाम से जानते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा इसमें जो उत्पादन होता है वो किसका उत्पादन होता है? सिन गैस का उत्पादन होता है। तो सिन गैस के बारे में हमने पिछले प्रश्न में भी किया था, लास्ट वीडियो में, सिन गैस क्या है, किसका इसका कॉम्बिनेशन है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है तकनीक हाल ही में चर्चा में थी, इसको ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? कचड़ा निपटान से संबंधित है। वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ये आगे बढ़ाती है, क्योंकि इससे जो उप उत्पाद बनता है वो सिन गैस, उसका हम एनर्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा जो स्लैग बनता है यहाँ पे जो ग्लास के रूप में बनता है, इसको हम बाद में सड़क निर्माण जैसी जगहों पर प्रयुक्त करते हैं, तो वेस्ट टू वेल्थ को भी ये साकार करता है। अगला प्रश्न क्वाड के बारे में है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में कहां पर प्रस्तावित है? तो क्वाड में चार देश शामिल हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनसे मिलकर के क्वाड बना है, और ये चाइना को संतुलित करने की रणनीति के रूप में माना जाता है। तो इसका जो अगला यानी इस वर्ष का जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो शहर का नाम जरूर याद रखिएगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये प्रस्तावित। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 22 मार्च यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है, 22nd of March को यह मनाया जाता है। तो यह पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, स्वच्छ जल सतत विकास सूचकांक 6 से संबंधित है। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन SDG 6 जो हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें 6वें नंबर पर क्लीन वाटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी SDG एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं उनको एक जगह पे नोट करके आपको नोट्स बनाना चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2023 हेतु थीम क्या थी? स्वयं बदलाव लाएं जो आप विश्व में देखना चाहते हैं, यानी जो 2023 की थीम है वो एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी परिवर्तन को हमको आगे बढ़ाना है, और परिवर्तन को किस रूप में आगे बढ़ाना है, तो ये आपका डिटेल है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी परिवर्तन को सबसे पहले अपने अंदर लाना है, ताकि विश्व में जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं वो सबसे पहले हम अपने अंदर लाएं, यानी जो जल प्रदूषण संबंधी हमारी आदतें हैं उनको सबसे पहले परिवर्तित करना आवश्यक है, तभी विश्व में इस तरीके के दीर्घकालिक परिवर्तन आएंगे। तो ये तीनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 भारत में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये हाल ही में प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 18 मार्च 2023 के बीच में आयोजित किया गया। आजादी के 75 जो वर्ष है, आजादी का अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है एक वर्ष का, तो इसके उसको मनाने के लिए ये किया गया था, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है आहार 2023। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2023 में जारी टाइम पत्रिका में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो टाइम्स पत्रिका द्वारा विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की गई, इसमें भारत के दो स्थानों को शामिल किया गया है। एक तो लद्दाख है, एडवेंचर एंड ईट्स के लिए इसको शामिल किया गया है। दूसरा, मयूरभंज इंडिया रेयर टाइगर्स एंड एंशियंट टेम्पल्स के लिए इसको शामिल किया गया है। ये दो शहर शामिल है टाइम्स पत्रिका के द्वारा द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस की रिपोर्ट में। तो लद्दाख और मयूरभंज इसमें शामिल है, शिरडी इसमें शामिल नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न आपका, किस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा रूसी राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा रूसी राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट युद्ध अपराधों के चलते, और जो यूक्रेन और रूस संघर्ष चल रहा है उसमें मानवाधिकारों का जो हनन हुआ है, वहां पे जो किशोरों को रूस में जो प्रवासन किया जा रहा है, इन सब अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय चूंकि चर्चा में रहा इस कारण से, तो सीधे सीधे एक स्टैटिक प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है द हेग में, नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा मिलती जुलती एक संकल्पना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की है। तो क्या अंतर है दोनों में?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों के विरुद्ध मामले नियोजित करता है, यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई युद्ध अपराध किया है या कोई भगोड़ा अपराधी है इस तरीके का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच में, अगर कंट्रीज के बीच में कोई विवाद हो रहा है तो देशों के बीच में विवाद को यह देखता है, यहाँ पे व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे एक और मिलता जुलता तथ्य यह भी है कि इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड में। दोनों का मुख्यालय समान है लेकिन कार्य प्रणाली दोनों की अलग अलग है। ये व्यक्तियों के विरुद्ध सुनता है, ये देशों या दो विवादित क्षेत्र हैं उनके बीच के विवाद को यह देखता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है द हेग नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है आपका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है आपका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग यानी कौन जारी करता है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिविबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। अब यहां पे पूछा गया है कि सही सुमेलित बताना है, यानी इस वर्ष की जो रैंकिंग आई है उसके बारे में सही सुमेलित बताना है आपको। तो पहला है, शीर्ष स्थान किसका है, वियना ऑस्ट्रिया, तो ये एकदम सही है, वियना ऑस्ट्रिया शीर्ष स्थान पर है। दूसरा यहां पे दिया हुआ है, अंतिम स्थान तेहरान ईरान, तो अंतिम स्थान पर तेहरान ईरान है, ये भी एकदम सही दिया हुआ है। और इसके अलावा भारतीय जो शीर्ष शहर है वो नई दिल्ली, इसमें 112वें स्थान पर शामिल है, और दूसरा जो भारतीय शहर इसमें शामिल है वो 117वें स्थान पे है आपका मुंबई। तो इन दो शहरों को अगर शीर्ष दो भारतीय शहर पूछता है तो ये रहेगा, वैसे नई दिल्ली ही पूछेगा अगर आपसे भारतीय शहर पूछेगा तो, इसमें 112वां। ध्यान दीजिएगा, पहले जो सूचकांक आया था उसमें एक बार बेंगलोर भी आया था, तो बेंगलोर से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर विकल्प में रहेगा तो शीर्ष भारतीय शहर कौन है, नई दिल्ली, क्योंकि तीनों सही सुमेलित है, तो 1, 2, 3 आपका हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कौन जारी करता है, तो नाम जरूर याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या रहा है, तो हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई थी अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप, उसमें महिला कुश्ती में भारत का जो है प्रथम स्थान रहा है, जिसमें 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य, 8 स्वर्ण 1 रजत, 1 सिल्वर मेडल और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल ये जीता है। और ये इस तरीके से कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भारत का रहा है अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न आपका, समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन ऑपरेशन संकल्प के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है, तो ऑपरेशन संकल्प हाल ही में संचालित किया गया समुद्री जो दस्युता है उसके विरोध में, और जो समुद्री सुरक्षा प्रदान करनी है, आवागमन का जो रास्ता है पारस की खाड़ी से लेकर के आपका बंगाल की खाड़ी इधर अरब सागर के बीच में इधर पूरा, इसको सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। तो इसमें हिंद महासागर में ये संचालित किया गया है, और इसमें भारत के द्वारा युद्धपोत INS सहद्याद्री की नियुक्ति की गई है, ये गलत है, यहाँ पे INS तलवार की नियुक्ति की गई है इस ऑपरेशन के लिए जो युद्धपोत है। द इंडियन नेवी हैज बिगन ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, अगर वास्तविकता में बात करें तो ये जो हिंद महासागर के हिस्से हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे सेफ गार्ड सिक्योरिटी के लिए चलाया गया है, इंडियन शिप्स को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, और 23 भारतीय युद्धपोत जो है इसमें अभी तक नियोजित किए गए हैं। इसमें इंडिया का जो नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट है INS तलवार वो रखा गया है, सह्याद्री या नहीं होगा, इसलिए दूसरा कथन गलत है, केवल 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जो मार्ग है ये 62% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट को गल्फ रीजन से यानी खाड़ी क्षेत्र से भारत लाता है, इसलिए इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल्स ट्रांजिटिंग थ्रू द रीजन, यानी इस क्षेत्र से जो भारतीय जलपोत निकलते हैं या जो तेल लेकर के भारत के लिए आ रहे हैं उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक थी, इसके लिए ऑपरेशन संकल्प ये चलाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। नाम जरूर याद रखिएगा, ऑपरेशन का भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन संकल्प, क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ वैसे हिंद महासागर। अगला प्रश्न, स्काई ट्रैक्स 2023 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत के हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, यानी भारत का भी सबसे बढ़िया और साउथ एशिया का भी सबसे बढ़िया, तो इसमें नई दिल्ली को प्रथम स्थान इस बार प्राप्त हुआ है। जो वर्ष 2022 की रैंकिंग थी उसमें बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा को स्थान प्रदान किया गया था, कैंपे गौड़ा कहाँ पे है, बेंगलुरु में, और हाल ही में नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की जो मूर्ति बनाई गई थी उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो क्या थी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कहाँ पे है, बेंगलुरु में, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो पिछली बार ये था लेकिन इस बार नई दिल्ली है। विश्व में पहला स्थान किसका है, तो सिंगापुर के चेंगी, ये जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर का चेंगी, और भारत का सबसे बढ़िया न्यू दिल्ली, ये साउथ एशिया का भी सबसे बढ़िया है।
अगला प्रश्न, विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार भ्रमण हेतु अनुकूल सर्वाधिक प्रसन्न शहरों की सूची में भारत के किस शहर को स्थान प्राप्त हुआ? चूंकि उत्तर प्रदेश का एक शहर है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, कानपुर उत्तर प्रदेश को इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, कानपुर इंडिया, तो 11वां स्थान है। एपीएस प्लेस टू ट्रेवल 2022 और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सनशाइन कितने टाइम तक रहता है, वीकली वर्किंग आवर्स कितने हैं लोगों के, लोग कितने मित्रवत हैं, फ्रेंडलीस्ट पीपल कितने हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इन सब आधारों पे ये निर्धारित किया गया कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा भ्रमण के योग्य है। तो इसमें भारत का एकमात्र शहर जो है वो कानपुर 11वें स्थान पर शामिल है। अगला प्रश्न, भारत अफ्रीका क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023 का आयोजन हाल ही में कहां किया जा रहा है? तो ये एफिनडेक्स जो है ये पुणे में आयोजित किया जा रहा है, भारत और अफ्रीका का उबंटू अभ्यास है, यानी इसमें कई सारे चीजें शामिल होंगी और ये भारत और अफ्रीका के रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएगा। भारत अफ्रीका संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक तरफा सहायता अफ्रीका को देता है, इसमें टेली मेडिसिन आपका शामिल है, टेली हेल्थ शामिल है, टेली एजुकेशन शामिल है और अब ये इस तरीके का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भी इसमें शामिल हो गया है। कहां पे ये किया जा रहा है? पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आपका, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने वर्ष 2023-24 के लिए ये 6% अनुमानित किया, यानी पिछले जो वर्ष इसने अनुमानित की थी उससे 1% कम नीचे की ओर इसने अनुमानित किया है। हालांकि इसका अनुमान है कि आगे धीरे धीरे ये वृद्धि करके लगभग फिर से 7 के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो अनुमानित की गई है वो 6। आर्थिक समीक्षा में भी वृद्धि दर जो अनुमानित की गई वो 6 से 6.4% है, तो उसको भी आपको याद रखना है अलग से क्योंकि वो एक प्रश्न आर्थिक समीक्षा से अलग से बन सकता है। तो वहां कितनी है? 6 से 6.4% निर्धारित की गई। अगला प्रश्न आपका, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें स्टेशंस के ऊपर सोलर पैनल लगाना, ट्रेन के ऊपर सोलर पैनल लगाना ताकि जो ऊर्जा उपभोग है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए, नवीकरणीय ऊर्जा उपभोगों का प्रयोग करने वाला है रेलवे, वर्ष 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री कौन है इस समय? अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये वाराणसी को हाल ही में नामित किया गया है, संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही भारत चूंकि इस वर्ष एससीओ की अध्यक्षता भी कर रहा है संघाई सहयोग संगठन की, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और जो संघाई सहयोग संगठन का इस बार का भारत ने जो ध्येयवाक निर्धारित किया था वो था सिक्योर एससीओ, यानी सिक्योरिटी इकोनॉमी कनेक्टिविटी यूनिटी रिस्पेक्ट और इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें सिक्योर के अंतर्गत रखी गई थी। तो भारत ने जो वेबसाइट लॉन्च करी थी उसमें ये लोगो भी दिया गया था, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस एससीओ की इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और किसको सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया? चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है वाराणसी को। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल पे और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि गुरु सीरीज के रेगुलर नोटिफिकेशन आप सबको मिलने लगे। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।